इस्लामाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और साथ में उनके साथ इस्लामाबाद विश्वविद्यालय के कई विद्यार्थी और नेतागण आए हैं। निश्चित रूप से इनके पहल की सराहना की जानी चाहिए कि प्रयागराज में केवल प्रयागराज की आबादी नहीं, यहाँ पर माँ गंगा माँ जमुना के तट पर प्रत्येक वर्ष कुंभ और हर 6 साल 12 साल के महाकुंभ भी लगता है और प्रयागराज में बुंदेलखंड के आधा दर्जन से अधिक और पूर्वांचल के 10 से 15 जिले के बच्चे पढ़ने और रोजगार के लिए भी आते हैं। निश्चित रूप से प्रयागराज उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है शिक्षा की दृष्टि से सांस्कृतिक दृष्टि से, इसलिए यहाँ पे बड़ी संख्या में लोगों को आना इस ज़िले के लिए गौरव की बात है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना काम किया जाना चाहिए उतना नहीं किया। आज विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष और बाकी पदाधिकारी जब आए हैं उनकी मांग है कि यहाँ पर एक एम्स की स्थापना हो। मैं इनके पहल की भी सराहना करता हूँ और निश्चित रूप से ये प्रयागराज के लिए आवश्यक भी है। जब प्रयागराज स्मार्ट सिटी में चयन हो गया हो तो यहाँ पर एक उच्च स्तरीय अस्पताल की अत्यंत आवश्यकता है। इनका ज्ञापन मुझको प्राप्त हुआ है, मैं आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिख रहा हूँ और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय हर्षवर्धन जी को भी चिट्ठी लिख रहा हूँ। तो मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे प्रदेश स्तरीय नहीं बल्कि विश्व स्तरीय अस्पताल की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, जिससे कि यहाँ के रहने वाले लोग और यहाँ के आने वाले लोगों को एक उच्च कोटि की स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य उपलब्ध कर सके। प्रयागराज में एम्स की स्थापना हो, यह एक जन आंदोलन हम लोगों की तरफ से चलाया जा रहा है। आज इसी कड़ी में माननीय सांसद विनोद सोनकर जी से मिल करके हम लोगों ने अपनी मांग को रखा है और उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार करते हुए सहृदयता से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत सरकार को एक पत्र लिखा है कि प्रयागराज में एम्स की स्थापना कराई जाए। इस तरह का आंदोलन हम लोग निरंतर जब तक एम्स की स्थापना नहीं हो जाती है तब तक करते रहेंगे और हम अन्य जनप्रतिनिधियों से भी मिल करके इस विषय को रखेंगे और शीघ्र ही जनता से भी मिल करके एक बड़ा आंदोलन स्थापित करेंगे इस मांग को लेकर।